नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज़ चल रही है ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। इसमें कक्षा 6 हमारा राजस्थान के चैप्टर 4 से आज हम शुरू करने वाले हैं, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। प्रस्तर युग। उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी व पत्थरों के अस्त्र शस्त्र व उपकरणों के आधार पर प्रस्तर के पत्थर के उपकरणों की अधिकता के कारण इसे प्रस्तर युग कहा गया। राजस्थान में मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च, चंबल नदियों की घाटियों में से प्रस्तर उपकरण मिले हैं। प्रस्तर के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके बाद लोह युग के अवशेष मिले। ताम्र सभ्यता अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ से प्राप्त हुए धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। फिर है राजस्थान में सभ्यताओं के प्राचीन केंद्र। बीकानेर में सोथी, हनुमानगढ़ में कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा व बड़ोपल, झुंझुनू में सुनारी सभ्यता, सीकर में गणेश्वर सभ्यता, जयपुर से बैराट, सांभर, जोधपुरा की सभ्यता, भरतपुर में दर और नोह की सभ्यता, टोंक में रेड और नगर की सभ्यता, भीलवाड़ा से ओझियाणा और बागोर की सभ्यता, बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता, राजसमंद में गिलुंड और पचमता की सभ्यता, जालौर में भीनमाल सभ्यता और उदयपुर से आहड़ और बालाथल की सभ्यताएं तथा चित्तौड़गढ़ से नगरी की सभ्यताएं हमें मिली हैं। ये प्राचीन केंद्र रहे हैं। फिर है कालीबंगा। द्वशदती व सरस्वती नदी घाटी में ये सभ्यता फली फूली थी, जिसे आज वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र कहा जाता है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष थे, उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर थे। यहाँ पर मकानों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी व ईंटों की नालियाँ यहाँ देखने को मिली हैं। अग्निकुंड, अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। दुर्ग के अवशेष मिले हैं। जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। गाय के मुख वाले प्याले हैं। तांबे के बैल हैं। कांस्य के दर्पण हैं। हाथी दांत का कंघा है। मिट्टी के बर्तन और खिलौने यहाँ पर भारी मात्रा में मिले हैं। यहाँ पर एक इसका एक म्यूजियम भी बनाया गया है। आघाटपुर या आहड़, अन्य नाम धूलकोट, ताम्रवती, तांबावती कहा जाता था। आघाटपुर नाम इसका 10वीं से 11वीं शताब्दी में कहा गया है। यहाँ पर मकानों की दीवारें जो थी वो पत्थर मिट्टी से बनी हुई थी। यहाँ पर जो छत थी इन मकानों की बांस व केलों की बनी हुई थी। इसके साक्ष्य वहाँ पर मिलते हैं सभ्यताओं के उत्खनन से। 4 से 6 चूल्हे यहाँ पर संयुक्त परिवार, सामूहिक भोजन विधि की साक्ष्य है। उच्च कोटि के यहाँ पर चावल उत्पादित होते थे। भट्टीनुमा चूल्हा मिला है यहाँ पर, जहाँ पर तांबा भी पिघलाया जाता था। लाल भूरे मृत भांड मिले हैं। 1951-52 में उत्खनन हुआ था यहाँ पर, जहाँ पर थे 6 तांबे की मुद्राएं, तश्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ और 26 प्रकार के मणिये, मटके, कलश, चूड़ियाँ आदि मिले हैं। फिर है बालाथल की सभ्यता। वल्लभनगर तहसील में ये सभ्यता पाई गई है। यहाँ पर ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता थी ये। यहाँ पर 11 कमरों का एक भवन मिला है, दुर्ग मिला है, तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छैनी, बाण तथा कर्ण फूल, गले के हार की लटकन मिली है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर कृषि, पशुपालन और शिकार तीनों ही हुआ करते थे। यह लोक काल के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बैराट सभ्यता के अतिरिक्त यहाँ पर भी बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है उत्खनन से। फिर है गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर में ताम्र संचयी संस्कृति कही जाती थी। ताम्र उपकरण बहुतायत में प्राप्त हुए हैं। बाण, छैनिया, मछली पकड़ने का कांटा, उस्तरे के फलक, अंगूठियां, दोहरी पेचदार शीरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन थे यहाँ पर, और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन थे। आहड़ तथा गणेश्वर सभ्यताएँ ताम्रपाषाण काल की थी। फिर है बैराट सभ्यता, ये जयपुर की है। बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी की सभ्यता है यह। विराट नगर कहलाती थी, जिसे मध्य महाभारत काल में, महाभारतकालीन समय में यह विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मौर्यकालीन अशोक मौर्य के 2 स्तंभ लेख यहाँ पर मिलते हैं, बाबरू और बैराट। यहाँ पर बौद्ध मठ के अवशेष भी पाए गए हैं, जिसमें 36 चांदी की मुद्राएं, 8 पंचमार्क जिसमें मुद्राएं थी और 28 भारतीय यूनानी शासकों की थी। इसके अलावा यहाँ पर नाचता हुआ पक्षी, स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चिन्ह, चक्र चिन्ह के घड़े, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले और हाथ से बना हुआ वस्त्र यहाँ पर भी मिला है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ से। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।